अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हारून फारूकी। आज मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूं कि आपको प्रॉपर्टी डीलर से क्या बातें नहीं करनी चाहिए ताकि आप किसी भी किस्म के लॉस से बच सकें। नंबर वन, अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो आप अपना टोटल बजट ना बताएं। अगर आप अपना फुल बजट बताएंगे तो वो प्रॉपर्टी 5% से 10% तक महंगी मिलने का चांस हो जाता है। और नंबर दो पे अगर आप ले लें, आपको अपनी पसंद छुपानी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको पसंद है। अगर ये बात भी डीलर्स को बताएंगे तो फिर भी चांस है कि ये प्रॉपर्टी आपको 5 से 10% तक महंगी मिले। ज़रूरी नहीं कि हर डीलर ऐसा करे, मगर मार्केट में ऐसा भी होता है। नंबर थ्री, अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो कभी अपनी लास्ट प्राइस डीलर या फिर किसी को भी ना बताएं। ऐसा करने से भी आपको वो प्रॉपर्टी मज़ीद 5 से 10% तक कम रेट में सेल करना पड़ेगी। नंबर फोर, अगर आप को किसी पर्सनल मजबूरी की वजह से प्रॉपर्टी सेल करना पड़ रही है तो प्लीज़ ये बात तो कभी ही ना बताएं। इस केस में आपको 15% से 25% तक का लॉस हो सकता है, क्योंकि दुनिया मजबूरी का फायदा उठाना जानती है। नंबर फाइव, अगर आप किसी एरिया में प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो कभी भी किसी डीलर को कंडीशनल टोकन ना दें। अब आप में से अक्सर दोस्तों को कंडीशनल टोकन का पता भी नहीं होगा। कंडीशनल टोकन कहते हैं जब आप किसी प्रॉपर्टी डीलर को अपनी रेंज और एरिया बता कर टोकन देते हैं कि इस फलां एरिया में मुझे इस टाइप की प्रॉपर्टी लेकर दें, इस टाइप की डील भी आपके लिए फायदेमंद नहीं होती। मेरा काम था आप सब दोस्तों की रहनुमाई करना। अब इन बातों पर अमल करना या ना करना, इसका अख्तियार आपके पास है। तो फ्रेंड्स, कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरे मशवरे कैसे लगे। अल्लाह हाफिज़।